युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज की 54वीं तथा राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज की 9वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह के अंतर्गत दूसरे दिन पर्यावरण की रक्षा भविष्य की सुरक्षा विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर डीपी सिंह ने उक्त विषय पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पर्यावरण और आध्यात्मिकता का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। आध्यात्म हमारे जीवन में उत्थान के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा के लिए भी हमें प्रेरित करता है। पर्यावरण को लेकर हमारे शास्त्रों में निर्देशित किया गया है कि प्रकृति का प्रत्येक तत्व देव तत्व से युक्त है। ऐसा बताकर सभी के प्रति समाज में सम्मान व सुरक्षा का भाव लाया गया है। संगोष्ठी में अयोध्या से पधारे सुरेश दास जी महाराज, कटक के महंत शिवनाथ जी, अयोध्या के महंत राम मिलन दास, प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, देवी पाचन के महंत मिथिलेश नाथ, कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास, वाराणसी के योगी रामनाथ प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। सततम् ययाहम् तत्पाद पद्मयुगलम् विमलम् भजेयम् गोरक्षपत्तनमिदम् प्रथितम् पृथिव्याम् एपे तपःसततमत्र भवान् मुनीन्द्रः अस्य मार्गमुपदेश्य जनान् कृतार्थान् चक्रे वृषं सकललोकसुभाभिलाषे चक्रे वृषं सकललोकसुभाभिलाषे चक्रे वृषं सकललोकसुभाभिलाषे। बहुत बहुत धन्यवाद श्री आदित्य तिवारी व श्री गौरव पांडे जी। और इसके पश्चात आज के कार्यक्रम में अतिथि के रूप में उपस्थित प्रोफेसर डीपी सिंह जी और प्रोफेसर डीके सिंह जी का सम्मान महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के आदरणीय अध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह जी द्वारा स्मृत ग्रंथ प्रदान कर हमारे सम्मानित अतिथियों का सम्मान। प्रोफेसर डीपी सिंह जी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष, सम्मान प्रोफेसर यूपी सिंह जी द्वारा। और उसके पश्चात प्रोफेसर डीके सिंह जी पर्यावरण एवं प्राणी विज्ञान विभाग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के पूर्व विभागाध्यक्ष स्मृत ग्रंथ प्रदान कर आपका सम्मान। सम्मान के उपरांत उद्बोधनों का कार्यक्रम होगा। युग दृष्टा युग पुरुष ब्रह्मलीन दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज के पावन पुण्य स्मृति के साप्ताहिक समारोह में आज का जो विषय है पर्यावरण रक्षा भविष्य की सुरक्षा, इस पर हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए हम देखते हैं कि आज पूरा विश्व जब कोरोना की महामारी से जूझ रहा था उसका चिंतन कहाँ गया था। जहाँ शुद्ध हवा हो, शुद्ध जल हो, शुद्ध वातावरण हो, आज उसी चिंतन को इस गोष्ठी में विचार करने के लिए यह विषय रखा गया है कि क्या हम युवा पीढ़ी आज सब लोग वैज्ञानिक बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम अच्छे शिक्षक बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं विषयों को लेकर, लेकिन हमें उसके साथ साथ अपने पर्यावरण के लिए बहुत चिंतन करना पड़ेगा। आज आप उत्तराखंड हिमालयों में जाएँ, जो पर्यावरण के साथ जी रहे हैं, जो पर्यावरण के साथ अपना पूरा जीवन समर्पण कर रहे हैं, उनसे हम लोग कहते हैं कि आप लोग चलिए कभी बम्बई चलिए, कभी काशी के तरफ आइए। तो कहते हैं काशी तो दर्शन करने तो आ सकता हूँ लेकिन बम्बई नहीं जा सकता। तो मैं उनसे पूछता क्यों, यहाँ तो केवल पहाड़ है और थोड़ी सी नदी है, जल है। तो कहते यही मेरा जीवन है, यहाँ जो मुझे शांति है वो बम्बई में शांति नहीं मिल सकती। उसका मूल उदाहरण है कि वो पर्यावरण के साथ अपना जीवन समर्पित कर सके रहे हैं और पर्यावरण उनसे जी रहा है और वो पर्यावरण से जी रहे हैं। क्योंकि अगर हम वृक्ष लगाएंगे तो निश्चित ही बंजर भूमि भी उपजाऊ हो जाती है, उसमें जल
सभी का एक पास आ जाता है। जैसे हमारे पूर्ववक्ता ने कहा कि शरीर भी पंच तत्वों से बना है, एक जो भगवान श्री कृष्ण का जो विराट रूप था वो भी एक पर्यावरण के भी स्वरूपों में विद्यमान है। आज उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा और उसको मानना पड़ेगा। अगर पर्यावरण को हम अलग रख के अपने देश की यात्रा करेंगे तो निश्चित हम यात्रा में पीछे रह जाएंगे, क्योंकि पर्यावरण के बिना हमारा भारत और जो आने वाला भविष्य है वो सुरक्षित नहीं रह सकता है। आज हमारे पुरातन वैदिक ग्रंथों में दिया गया है, जहां पर्यावरण और प्रकृति की बात की गई और वैदिक ग्रंथों में यह कहा गया है कि मानव का जीवन विस्तार प्रकृति के सानिध्य में ही हो सकता है। अगर हम प्रकृति से अलग हुए तो जो दुष्परिणाम 21वीं सदी के दो दशकों में दिख रहे हैं वो निश्चित ही दिखेंगे। तो अपने इन पुरातन ग्रंथों को, जिनमें वेद, रामायण, महाभारत आते हैं, इनमें से भी हम कुछ सीखें तो पर्यावरण की रक्षा बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है। पर्यावरण का मतलब सामान्य जन से अगर पूछा जाए तो वो प्रदूषण या इसकी बात करते हैं, लेकिन पर्यावरण का प्रारंभिक स्थल व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी वैदिक पूजा में बैठते हैं तो हम ओम भू ओम भुवा ओम स्व ओम महा ओम जना ओम तपा ओम सत्यम कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये जो भू मतलब पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, और ये जो ऊर्जा के क्षेत्र हैं सातों या सात लोक, उनकी प्रार्थना की जाती है कि हम अपने जीवन का विस्तार इस पृथ्वी पर सामान्य अच्छे तरीके से करें। मेरा